मुझे ये पूछना है, पार्टी कोई भी रहे, बीजेपी रहे, आम आदमी पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, और कोई पार्टी रहे, उन पार्टी चालू करने का पर्पस क्या था? इट शुड बी बेस्ड ऑन संविधान ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी वो क्या कर रहे हैं आप भी बताओ, आप मुझे बताओ। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर आप इंटरव्यू के थ्रू जाते हैं, ठीक है, फिर उसको चुनते हैं, उसका प्रोफाइल देखते हैं, पर्सनैलिटी देखते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एमएलए एमपी 5 साल के लिए चुन के देख रहे हैं, उनको एक बार चुन के दे दिए, वो पैसे कमा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ काम कर रहे हैं। बॉम्बे में मेट्रो का प्रोजेक्ट हुआ तो उसका इनिशियल फंडिंग बस कुछ 2000 करोड़ हुआ था, बाद में 10000 करोड़ कैसे बन गया, पैसा किसकी जेब से गया? मेरी जेब से, मैं वोट टैक्स भरता हूँ, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? ये लोग बजट कुछ भी दिखाते, बड़ा चेहरा के दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे चेंबूर में उन्होंने मोनोरेल बनाई थी, उसका पर्पस क्या था? गवर्नमेंट का इतना पैसा गया, हमारा टैक्स का पैसा गया, उससे कुछ भी ट्रैवल होता है, उसका पिकनिक बन चुका है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1947 के पहले आप जब हम तीनों जो है, हमारे जो यूथ है, उसके पास एक पर्पस था कि देश को आज़ादी दिलानी है। अभी कुछ पर्पस बचा है? मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा करियर, मेरा घर खत्म, फिर समाज को सुधार का ढोगा किसने लिया? हम इनको चुन के देते, वोट देते, सब खत्म, और क्या, और कुछ करते हैं हम लोग? मैं मैसेज दूंगा कि आप थोड़ा अपना नजरिया बढ़ा के देखो, आप जहाँ पे रहते हो उसके आज में बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं जिनको एजुकेशन मिल नहीं रहा, खाने पीने को मिल नहीं रहा, तो उसकी जगह कौन सी आप आगे बैठ के मूवी देखोगे, सब करोगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। किसी भी गरीब गाँव में चले जाओ, मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर धरना किया था मैंने, तो अगर एक पढ़ा लिखा आदमी, उसको राष्ट्रपति को मिलना है तो ही कैन मीट इजीली, राइट? बट अगर एक गरीब आदमी खेती वाला है वो कैसे मिलेगा? इवन कुडंट राइट इंग्लिश, तो अपने सब लोग वहाँ पे लिख के रखे इंग्लिश में, आम आदमी इंग्लिश नहीं आती सबको। ये हमारा राय है कि ये पॉलिटिक्स में ये देश बंटवारे का बात आ जाता है, ये माने हिंदुस्तान जो है ये सबको ले कर चलने वाला देश है, लेकिन इस पर जो है जो एक दूसरे पे ये करके बंटवारा करना चाहते हैं, इस पर ठीक नहीं है, ये राजनीति चाल सब है, ये सब नहीं ठीक। असर तो बहुत पड़ेगा, लोग जागरूक हो गए ना, थोड़ा ऐसी हैं तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो अपना अपना वोट कीमती होता है, देंगे हो। कोई भी धर्म हो, एक दूसरे के धर्म पे आंख नहीं आना चाहिए, इसके लिए जो जिम्मेदार होगा, तो नागरिक जानते हैं, अपना अपना जिम्मेदार जानते हैं, वो वोट तो देगा वो। बीजेपी का कामकाज अच्छा है, अभी बीजेपी का जो सरकार है अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी का सिर्फ ज़्यादा चुनाव जीत गए। नहीं, दलित के लिए भी सरकार काम कर रहे हैं ना, दलित के लिए भी कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र में, विदेश में, सब जगह भी दलित के लिए भी कर रहे हैं ना, ज़्यादा सीट बीजेपी का जीत के आएगा। देखिए, एक तरफ जो बीजेपी ये चाहती है कि जैसे यूपी में चुनाव है आने वाले कल में 2017 में, तो बीजेपी ये चाहती है कि हम दलितों का वोट अपने तरफ ले, लेकिन 11 जुलाई को जो घटना गुजरात में घटी, वहाँ पर जैसे एक व्यक्ति गाय के चमड़े उतार रहा था, तो अगर ये देखा जाए कि गाय मर चुकी थी, बराबर गाय मरी थी, तो उसका चमड़ा उतार रहा था, इसका मतलब कि वो एक तरह से वातावरण की सफाई कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति तो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। इतना काम करने के बाद भी वहाँ के जो इसके पार्टी के लोग जो थे वहाँ पर, वो लोगों को कार में बांध करके घसीटा, तो एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, दलितों का मेरे वोट लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप इस तरह से, आप ही के पार्टी लोग अगर इस तरह से करते हैं तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है। आपको मालूम नहीं होगा शायद, 2015 में दलितों के जो केस हैं 47,064 केस हैं दलितों के ऊपर, बराबर 47,064 केस का कुछ नहीं हुआ, इससे पहले 33,600 कुछ केसेस था, तो इसका मतलब कि दलितों का केस बढ़ता जा रहा है, और आप बोलते हैं कि हम दलितों का मसीहा हैं, तो आपको कहाँ से आपके सपोर्ट में दलित वोट देंगे? आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं क्लियर कट बात कर देता हूँ, दलित मायावती को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, पहले समझिए बात को। दूसरा चीज़, मेन वोट मुस्लिम वोट है, दूसरा वोट कुशवाहा का है। अभी मायावती जी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद छोड़ा, बराबर, तो उनको एक धक्का लगा, बराबर। भाजपा के भी अध्यक्ष कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। तो इसका मतलब कि मौर्य समाज जो है वो एक निर्णायक जीत की तरफ वोटर है, बराबर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सब पार्टियों की बात करता हूं, कोई भी पार्टी, 4 बार बीजेपी को देखा, 25 बरस कांग्रेस को देखा, बराबर, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं मैं, जो 2017 में चुनाव होने वाला है, 4 बार सपा भी मुख्यमंत्री बन चुके, बराबर, 4 बार मायावती जी भी मुख्यमंत्री बन सकी, 3 बार भाजपा भी राज कर चुका, 25 बरस कांग्रेस ने राज किया, ये सब लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, ये मैं आपको साफ जाहिर करता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, समझ रहे? और आने वाले कल में ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये जैसा कर रहे हैं अभी फिर लूटने का ही प्लान बना रहे हैं, इनसे कुछ राज्य में चलने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो राज्य
मैं बोलता हूँ जो अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उत्तर प्रदेश से 71 विधायक एमपी नहीं दिया होता तो ये प्राइम मिनिस्टर बन पाते क्या? नहीं बन पाते। तो आने वाले मैसेज ये है कि आने वाले कल में हमारे जो प्रदेश के या देश के जो जनता है सही लोगों का चुनाव करे, नहीं तो ये देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस वगैरह को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी करेगा सब समाजवादी पर ही करेगा। समाजवादी की जो पार्टी है वो तो बनेगा ही, सरकार उसकी बनेगी ही और लोग उसका सपोर्ट भी करेंगे। नहीं, अभी दलित लोग हैं ना, वो जागरूक हो गए हैं, वो मायावती के और कांग्रेस के जासे में नहीं आएंगे, वो अभी समझ रहे हैं उसके हितेशु बीजेपी वाले ही है, बीजेपी वाले ही उसका उद्धार करेंगे। वो सब मायावती और कांग्रेस वाले जो दलित के हितेशु अपने आप को बोल रहे हैं वो खाली नौटंकी कर रहे हैं। वो सब अब यूपी के दलित लोग समझ गए, यूपी के गुजरात के सब दलित लोग समझ गए। राहुल गांधी गुजरात में जाके नौटंकी करता है।